झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने मंगलवार को पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब बताया जा रहा है कि उन्होंने भाजपा का हाथ थाम लिया है। सीता सोरेन झामुमो मुक्ति मोर्चा के प्रमुख रहे शिबू सोरेन की बड़ी बहू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। वो दुमका की जामा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक भी रह चुकी हैं। सीता ने शिबू सोरेन को भेजे अपने इस्तीफे में कहा कि वो अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा पेश कर रही हैं। सीता का कहना है कि उनके पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद उनके परिवार को अलग थलग कर दिया था। उन्होंने पार्टी के लिए अपने पति के योगदान का जिक्र करते हुए लिखा, मेरे स्वर्गीय पति श्री दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, उनके निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे हैं। पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग थलग किया गया है, जो कि मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल से एक महान पार्टी बनाया था, आज वो पार्टी नहीं रही। मुझे ये देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्य और आदर्शों से मेल नहीं खाते। सीता ने अपने खिलाफ साजिश रचे जाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा, श्री शिबू सोरेन अथक प्रयासों के बावजूद जिन्होंने हम सभी को एकजुट रखने के लिए कठिन परिश्रम किया, अफसोस कि उसके प्रयास भी विफल रहे। मुझे हाल ही में ये ज्ञात हुआ है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची गई थी। मैंने ये दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना होगा। दरअसल सीता सोरेन लंबे समय से पार्टी में खुद को उपेक्षित मान रही थी। उनका मानना था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए शिबू सोरेन के 3 बेटों में उनके पति दुर्गा सोरेन ने सबसे अधिक मेहनत की थी। दुमका जिले की जामा सीट से विधायक सीता सत्ता में भागीदारी नहीं मिलने से भी नाखुश थी। सीता सोरेन अक्सर अनौपचारिक बातचीत में अपनी उपेक्षा का इजहार करती थी। हालांकि झामुमो में उन्हें केंद्रीय महासचिव का पद भी दिया गया था, लेकिन संगठन के फैसलों में उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन सरकार के गठन के समय से ही सीता सोरेन नाराज चल रही थी। खबरें हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को हाशिए पर जाता मानकर उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है। चंपई सरकार में सोरेन परिवार के तीसरे विधायक बसंत सोरेन को मंत्री बनाया गया, लेकिन सीता की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा। बताया जाता है कि सीता सोरेन अपनी छोटी देवरानी कल्पना सोरेन को दी जा रही अहमियत से भी नाराज थी। भ्रष्टाचार के केस में हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले जब नए विकल्पों पर विचार चल रहा था, तब कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी चर्चा थी। 3 बार के विधायक सीता सोरेन को राजनीति में नई नवेली कल्पना का नेतृत्व मंजूर नहीं था। सीता ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि परिवार में फूट की आशंका को देखते हुए हेमंत सोरेन कल्पना को सीएम नहीं बना पाए और राज्य की कमान चंपई सोरेन को दे दी गई। हालांकि पिछले कुछ समय से जिस तरह कल्पना ने न सिर्फ राजनीति में एंट्री की और पति की जगह संगठन का कामकाज अपने हाथों में ले लिया, उससे सीता असहज थी और आखिरकार उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।